तो मैं स्टार्टिंग ही से तो पढ़ाऊं, केमिस्ट्री स्टार्टिंग ही से करूं। अच्छा, इसमें Realme 7 के नाम से कौन है, प्लीज नाम आप बताएं। सर निमिर खान, अच्छा, नेम तो का आप ऑप्शन ही नहीं आया था। नहीं नहीं आपको, हाँ तो चलिए आज आप आ गए, नेक्स्ट क्लास से नेम से आइएगा। ठीक है सर। चलिए ओके, वी विल स्टार्ट। यहाँ देखिए स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर नेम लिखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है, तो दिस चैप्टर, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर में इज इंटायरली कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, थ्योरी कम है। तो आप घबराएंगे नहीं, आप शुरू की 3-4 क्लास लगातार करेंगे और मैं एकदम बेसिक से ही मैं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में थ्योरी कम है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट को ये चैप्टर लगता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा टफ है, टफ नहीं है, हम आपको आसान बना के पेश करेंगे। तो पहला टॉपिक लिखिए सारे लोग एकदम बेसिक से, एटॉमिक मास। क्या आप लोगों ने एटॉमिक मास का नाम सुना है? आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके ओके, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट का नाम सुना है सारे लोग? जल्दी बताएं, तारिक, ताहिरा, सक्षम, भान, नाम सुना है? यस सर। थैंक यू। अच्छा ठीक है, हम 5 मिनट अभी लगातार बोलेंगे, आपको एकदम चुपचाप सुनना है, उसके बाद मैं एक एक स्टूडेंट से डाउट लूंगा। देखिए 9th तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, जो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, आपको याद है, लेकिन अब 11th में इसकी मीनिंग समझना है, इसकी लैंग्वेज से पहले इसकी लैंग्वेज मीनिंग सीखेंगे, फिर एक पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मीनिंग। हिस्टोरिकल मीनिंग का मतलब हुआ कि साइंटिस्ट ने क्या कहा था इसको, लेकिन पहले इसकी लैंग्वेज की मीनिंग समझें कि एटॉमिक मास का मतलब द मास ऑफ वन एटम। अब दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, वन एटम, क्योंकि इस चैप्टर में आपको मोल भी पढ़ाया जाएगा, मोल। एक सेंटेंस आता है मास ऑफ वन मोल, लेकिन यहां वन मोल नहीं लिखाया गया, वन एटम, नो कंफ्यूजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। आगे का लाइन जो हम आपको बताएंगे, इन AMU, आपने 9th में पढ़ा होगा ना, एटॉमिक मास यूनिट, नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट ना जानते हम सुनाएंगे आपको, घबराना नहीं है। तो देखिए कोई भी पूछे आपको कि व्हाट डज मीन बाय द एटॉमिक मास, ये जो हम याद किए हुए हैं ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, व्हाट डज मीन, इट मींस इट इज द मास ऑफ वन एटम इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास। AMU क्या है वो हम बताएंगे आप, पहले सारे लोग बताइए ये वाली मीनिंग सबको समझ में आई कि जो एटॉमिक मास हम याद करते हैं बेसिकली वो वन एटम का मास होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? ईशिका? यस सर। हाँ, विभूति, विभूति भान, आपको आ रहा है समझ में? यस सर। गुड गुड, तो पहले लिख लीजिए सारे लोग, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास। निमिर खान और नबील खान, आपको आ रहा है दोनों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलिए लिख लीजिएगा तो बताइएगा। सर लिख लिया। ओके ओके डन। हैज एवरीवन नोटेड डाउन? डन एवरीवन? आगे बढ़े? यस। अब आइए ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि यूनिट ऑफ एटॉमिक मास क्या होता है, तो दो यूनिट होता है, एक को कहते हैं उसका नाम ही है एटॉमिक मास यूनिट विच इज कॉल्ड एएमयू, और मॉडर्न वेज में आप मॉडर्न में ये कहते हैं इसको यूनिफाइंग मास, शॉर्ट फॉर्म में यू। जैसे अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताइए तो हम लिखेंगे 16 एएमयू या 16 यू। सर मास को तो ग्राम में भी लिखते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको, एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको 5-10 मिनट में। हम ग्राम में कन्वर्ट करने की बाद में करेंगे। अब ये 16U इस चैप्टर में अगर लिखा हुआ है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये वन एटम का मास है। याद रखिए 16U और 16 ग्राम में देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन केमिस्ट्री। मैग्नीट्यूड आर सेम बट कंसेप्ट इज इंटायरली डिफरेंट। इसीलिए आपको पहले ये पढ़ाया जा रहा है आज के लेक्चर में। आज हम लोग मास ऑफ वन एटम पर रिसर्च करेंगे। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द एटॉमिक मास, तो अभी एक डिफिनेशन लिखाई गई, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन एमयू, मतलब ये कि एटॉमिक मास की यूनिट दो होती है, एक एमयू में और एक यूनिफाइड मास, एक ही बातें हुई। बताइए यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। लिखिए सारे लोग। अब हम हिस्टोरिकल मीनिंग पर जाएंगे, यहाँ तक कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। ईशिका, ताहिरा, तनवीर, इब्राहिम, तनवीर, कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? थैंक यू। सक्षम चोपड़ा, आपको आ रहा है समझ में? यस सर। गुड। लिख लिया सर? डन। डन। अब आइए एटॉमिक मास यूनिट का मतलब। तो थोड़ा 5 मिनट आप सुनेंगे। अब मैं हिस्टोरिकल डिफिनेशन बताने जा रहा हूं कि आप सबको मालूम है कि एटम जो होता है, लिखना नहीं है ये सब, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इट इज सो स्मॉल कि इसका आप एक्चुअल मास नहीं निकाल सकते। शायद साइंटिस्ट को बहुत प्रॉब्लम हुई शुरू में जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो भाई बात ये हुई कि भाई एटम का मास कैसे मेजर किया जाए। आप डेली लाइफ में भी समझिए, कोई आपको 10 पार्टिकल दे दे, छोटा सा 10 पार्टिकल, क्या बताओ इसका मास क्या है? इट इज टू डिफिकल्ट टू मेजर एब्सोल्यूट मास ऑफ सच स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो जिस तरह डेली लाइफ में भी, मान लीजिए एक क्लास में 6 स्टूडेंट हैं, मुझे उन सब की हाइट मेजर करनी है, मुझे कोई एंची टेप, कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिससे कि उसकी हाइट एक्यूरेट मालूम की जा सके,
तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस ले लेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट की हाइट ये है, बहुत हाइट है, एक की कुछ इस तरह है, एक की कुछ इस तरह है, एक की कुछ इस तरह है। मान लीजिए इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कहें, इसको डी कहें। सारे लोग सुनिएगा, तो हम एक को रेफरेंस लेंगे, एक को स्टैंडर्ड मानेंगे। तो हमने मान लिया इसको स्टैंडर्ड, मान लिया ये वन यूनिट है, मान लिया एक वैल्यू, मान लिया वन यूनिट। तो अब हम कहेंगे ना ए जो है वो डी के रिस्पेक्ट में 10 times ज्यादा हाइट है। हम ऐसे ही लैंग्वेज बोलते हैं। एक आइडिया लग गया कि ये डी के रिस्पेक्ट में 10 times ज्यादा लॉन्गर है, ज्यादा हाइट है। बी जो है मान लीजिए 7 times है, ये मान लीजिए 5 times है। तो जब साइंटिस्ट को भी इस वक्त कोई एब्सोल्यूट यूनिट नहीं थी, उसने भी केमिस्ट्री में क्या किया, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट को चूज किया, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट को लिया, रेफरेंस एलिमेंट को। उसको कहते हैं, वो रेफरेंस है, लिखना नहीं है अभी कुछ भी, जब मैं रेफरेंस एलिमेंट या स्टैंडर्ड एलिमेंट। अब क्यों लिया वो किस्सा सुनाएंगे आपको। वो है कार्बन 12। क्या है बताइए सारे लोग, रेफरेंस एलिमेंट का नाम क्या था? कार्बन 12। कार्बन 12। हाँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। C12। तो साइंटिस्ट को शुरू में बहुत परेशानी हुई, उन्होंने एक रेफरेंस दिया। अब कोई कहेगा भाई रेफरेंस कार्बन ही पर साइंटिस्ट की नजर क्यों गई? तो आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाएं। आप किसी भी क्लास सेक्शन में मॉनिटर किसको सेलेक्ट करेंगे, जो पर डे आता हो नंबर वन, जो किसी के साथ लड़ाई ना करता हो, अब आ रहे हैं किसी को मार रहे हैं नहीं, थर्ड बहुत ज्यादा शरीफ भी ना हो, मतलब उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, ना ज्यादा रिएक्टिव ना लेस रिएक्टिव। तो आप मॉनिटर उसी को चूज करोगे जिस जो क्लास में उसकी अटेंडेंस 100% ऑलमोस्ट हो, ना वो किसी के साथ लड़ाई करे और ना बहुत ज्यादा शरीफ हो। क्या मैं सही कह रहा हूं, हाँ या ना, जल्दी बताएं आप लोग। यस सर। सिमिलरली केमिस्ट्री में आप जहां पर बैठे हुए, जिस चेयर पर भी बैठे हुए होंगे, वुड अगर है, प्लास्टिक है, ये सब कार्बन से मिलकर बना है। इन होल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के हैं, मोस्ट अबंडेंट। तो रेफरेंस लेने की, स्टैंडर्ड लेने की पहली वजह थी मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज्यादा ये पाया जाता है अटेंडेंस, जिसको कहेंगे कॉमन डेली लाइफ में कि भाई जिसकी अटेंडेंस अच्छी है, मोस्ट हमें हर हमेशा वो मॉनिटर अवेलेबल है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तीसरा कहा, दूसरा नॉट वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा बदमाश नहीं है, गुंडा नहीं है ये, और ये भी कहेंगे नॉट इनर्ट। इस दोनों को मिलाकर एक वर्ड कह देंगे मॉडरेटली रिएक्टिव। सही बोला, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। एवरीवन एवरीवन बताएं कौन सा रिएक्टिव हो, मॉडरेटली रिएक्टिव। तो फिर से सुनिए, केमिस्ट्री में याद रखिए, ये अब हम हिस्टोरिकल डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि तमाम एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन के रिस्पेक्ट में लिया गया। किसके रेस्पेक्ट में लिया गया, जल्दी बताइए। कार्बन C12 के रेस्पेक्ट में। अब उसको दूसरे फॉर्म में मैं लिखाऊंगा। कोई कहे C12 को क्यों माना साइंटिस्ट ने, आप कहिए, हर चीज को डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। जबकि स्कूल के एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा व्हाई C12 एक्ट एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा या आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो माइंड में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करें।
किसी भी सेक्शन में या किसी सेक्शन में कैप्टन उसी को बनाया जाएगा जो मोस्ट एबंडेंट हो, रिएक्टिव ना हो, बहुत ज्यादा शरीफ ना हो, मॉडरेटली रिएक्टिव। ये सारी बातें कार्बन 12 के पास थी। कार्बन सब के साथ कंपाउंड बनाता है। चलिए इसको यहां तक लिखिए सारे लोग, बताइए सबको आ रहा है विब्यूटी, आ रहा है समझ में सक्षम? यस सर। यस सर। मेरी लैंग्वेज से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, आवाज एकदम सही से आ रही है ना समझ में? यस। इब्राहिम, ताहिरा, तनवीर, दोनों को लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सबको? यस सर। लैंग्वेज प्रॉब्लम है समझ में? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। इशिका को समझ में आ रहा है? इशिका को? यस सर। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बताते हैं आप। सर आप लास्ट पार्ट थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन। हाँ दिखा देंगे, पहले सारे लोग ये लिख लिया? नहीं सर, आप लास्ट पार्ट थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर सकते? ये वाला पार्ट? नहीं सर, नेक्स्ट पेज पे। ये ये? यस सर, दिस वाला। हाँ इसको समझा दें दोबारा। यस सर। हाँ हमने ये कहा कि चूंकि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वो साइंटिस्ट को बहुत परेशानी हुई कि भाई उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का एक्यूरेट मास कितना होगा। उस वक्त कोई ऐसी मेजरमेंट की कोई यूनिट ऐसी नहीं आई थी जिससे कि उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का एक्यूरेट मास निकाला जा सके। तो वही मैंने मिसालें दी कि अगर आपको भी या हमें भी कोई 10 पार्टिकल का कह बताओ इसका मास क्या है, वी कांट डिटरमाइन एक्यूरेट मास। तो एक रेफरेंस लिया गया, जैसे हम लोग भी डेली लाइफ में चार लोग बैठे रहते, बताओ तुम्हारी हाइट क्या है भाई, तो हम क्या करते हैं रेफरेंस, भाई तुम मेरे रिस्पेक्ट में इतना शॉर्टर हो या लार्जर हो। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी एक स्टैंडर्ड एलिमेंट चूज किया गया, जिस तरह किसी दुकान पर जाते हैं 1 kg के रेस्पेक्ट में सबको मेजर करते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में एक एक पे C12 रखा गया और इसी के रेस्पेक्ट में दूसरे की मास को मेजर किया गया। आया इशिका? यस सर। हाँ तो आपके माइंड में आएगा कि सर C12 ही को क्यों लिया गया, तो वही मैंने मिसाल दी कि ये मोस्ट एबंडेंट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा इनर्ट नहीं है, इसलिए। ओके यस सर, थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके जब कार्बन को रेफरेंस लिया गया तो आप लोग बताइएगा मास ऑफ जिसको रेफरेंस लिया गया, तो आपको बताना है। तो मैं लिख रहा हूं 12 mu, लिख सकते हैं ना आप? देखिए C12 आपने लिया, इसका 12 mu लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। यस सर। देखिए किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, C12 का मतलब 12 एमयू लिख सकते हैं भाई, जिसको आप रेफरेंस ले रहे हैं उसका तो मालूम होना चाहिए आपको, हाँ या ना? यस सर। गुड, क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए yes. तो आप बताइए कि 1 mu क्या हो जाएगा, हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे? बोलिए। वन एम यू इज इक्वल टू, ये पूरे को 12 से डिवाइड कर देंगे? यस सर। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे। मास मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, देखिए 12 में तो 1 mu इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाएगा कि नहीं 12, बताइए सारे लोग हाँ या ना? यस सर। इब्राहिम, इशिका, सक्षम, विभूति बताइए। यस सर। यस सर।
तो अब याद रखिए 1 mu इसलिए बुक में लिखा रहता है 1/12 मास ऑफ 1 atom ऑफ सीटमोल। कोई कहे 12 से क्यों डिवाइड किया तो आप उसको इस तरह समझाइए मास ऑफ 1 atom ऑफ कार्बन इज 12 mu तो 1 mu इज इक्वल टू दिस। क्लियर हुआ हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड लिखिए। क्लियर? यस। अब इसको ग्राम के फॉर्म में तो साइंटिस्ट ने इसका मास कैलकुलेट किया। अब इसको डायरेक्ट याद रखना ये लग आप 1 mu को ग्राम में कैसे लिखेंगे इस पूरे को कैलकुलेट किया गया 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो अब देखिए 1 mu क्या है 1/12 मास ऑफ 1 atom ऑफ सीटमोल उसको ग्राम में क्या लिखेंगे तो 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है ग्राम में कोई जैसे आपको कहते हैं ना 1 kg में कितने ग्राम तो 1000 ग्राम बोलते हैं उसी तरह 1 mu को अगर ग्राम में देखिए बहुत कम मास है 10⁻²। माने इसको भी आप ड्राइव कर सकते हैं लेकिन डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है आपको 1 mu की वैल्यू एज अ रिजल्ट ग्राम में आपको याद रखना है। बताइए आया समझ में? यस सर। सबको आया इशिका सबको आया सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ प्रोसेस। अच्छा आप लोगों ने अवोगैड्रोस नंबर का तो नाम सुना होगा ऐसे पढ़ाएंगे हम आपको? यस सर कांस्टेंट का नाम। हाँ पहले मैं पूछ लेता हूँ सबसे ये पढ़ा है ना 6.1 ऐसे पढ़ाऊंगा मैं लेकिन 9th-10th में पढ़ा है ना अवोगैड्रोस नंबर ये होता है। यस सब लोगों ने सुना है हाँ या ना बताइए? यस यस सर सुना है। यस सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं इसको अगर पढ़ लिया तो आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन करने में इतनी आसानी होगी कि मैं बता नहीं सकता। सारे लोग ध्यान मैंने कहा ना इसमें कैलकुलेशन है स्टूडेंट कैलकुलेशन भूल जाते हैं। हाँ ताहिरा घबराइए नहीं ताहिरा ये पहले आप लिख लीजिए ताहिरा ये लिख लीजिए आप मैं फिर आपको बाद में टाइम दे दूंगा। 1 mu को ये लिख सकते हैं उसको ग्राम में ये लिख सकते हैं ठीक है? यस सर। हाँ अब घबराइए नहीं अभी बताते हैं। अब देखिए हाँ 1.66 × 10⁻²। ये 1 mu होता है ग्राम में। एक और डाटा याद रखिए कि अगर हम 1/6.02 ये इतना इंपॉर्टेंट है आप अभी भी अपने कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये भी एग्जैक्टली इतना ही आएगा। तो देखिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको बेसिकली प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 1 mu तो इतना ग्राम में होता ही है इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/Avogadro's नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना? यस सर। तारीख तारीख अहमद आ रहा है तारीख? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊं देखिए कितना आसान कैलकुलेशन है पहले एकदम जोर दीजिए आपको ये आया कि इसको आने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आया सबको समझ में आया ना? यस सर। अच्छा देखिए इस कितना आसान हो गया आपको कोई कैलकुलेशन आएगा अभी बहुत आएगा 5/Avogadro's नंबर। अब स्टूडेंट पागल हो जाता है कि हम कैसे सॉल्व करें कुछ नहीं 5/1/Avogadro's नंबर आपको याद है देखिए कैलकुलेशन आसान नहीं हो गया। बोलिए हाँ या ना? बोलिए 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 1/Avogadro's नंबर इतना लिख सकते हैं ना जल्दी बोलिए सारे लोग। यस सर।
इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत है, आपको घबराना नहीं, मैं बहुत कैलकुलेशन को आसान बना के पेश करूंगा। ये तो सब लोग रटे हुआ है पावर नहीं, इसका अल्टरनेटिव बेस भी याद रखिए। दिस ऑल्सो रिटन एज 1 बाय अवोगैड्रोस नंबर। आप देखिएगा स्कूल के एग्जाम में भी कुछ इस तरह का क्वांटिटी आ जाएगा, आएगा देखिएगा कैलकुलेशन में। अब सब लोग पागल की तरह दिमाग खराब, सर कैसे सॉल्व करें? आपका आप दिमाग खराब नहीं, 15 रखे रहिए। आप बताइए सारे लोग 15 इंटू क्या कर दें, जल्दी बोलिए, बोले बोलिए 1.6। हाँ, 10 टू द पावर माइनस 24। अब इसको तो हम मल्टीप्लाइड कर ही सकते हैं, अब तो ये आसान हो गया। अरे बोलिए यस सर। हाँ, बहुत दफा आएगा 10 बाय दिस, और से सुनिए, तो 10 लिख देंगे 1.66 10 टू द पावर 24 लिख देंगे, तो अब आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं सारे को, ये सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, देखिए मैं सबको दिखा देता हूं, अब मैं दोबारा, चलिए यही था हम लोग ने लिखा था, देखिए ताहिरा यही लिख, यही आपका पेज छूट गया था। अब इसका ये भी लिख लीजिए 1, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/6.022 10^23। बताइए किसी को डाउट है इस वाले स्लाइड में, बोलिए सारे लोग मिलकर। नो सर। नो सर। हाँ, ये अब हम आपको न्यूमेरिकल अप्रोच, अभी भी कोई डाउट है तो अभी न्यूमेरिकल अप्रोच से समझा देते हैं। तो देखिए अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं दो लाइन में, दो मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। पहला था एटॉमिक मास। कोई भी पूछे बताओ एटॉमिक मास क्या होता है, तो कहिए मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन एमयू। एमयू क्यों लिया गया, वही कहिए, बिकॉज एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। साइंटिस्ट के पास कोई एब्सोल्यूट यूनिट नहीं था, उन्होंने एक रेफरेंस लिया, एक को स्टैंडर्ड लिया, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में सबको मेजर किया। तो 1 एमयू की दो मीनिंग, हिस्टोरिकल डिफिनेशन 1 बाय 12th मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कैसे आया मैंने प्रूफ किया, इसी को सॉल्व करके आएगा हाउ मेनी ग्राम इन 1 एमयू, तो 1.66 10 टू द पावर 24। इस पूरे मोल कांसेप्ट का, इस पूरे चैप्टर का ये की टॉपिक है कि 1 बाय अवोगैड्रोस नंबर कहीं पर भी होगा, हमें ये जुबानी याद हो जाना चाहिए कि 1 बाय अवोगैड्रोस नंबर 1.66 10 टू द पावर 24। आपका कैलकुलेशन इतना अब आसान हो जाएगा कि आपको कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। बताइए जो मैंने रिपीट किया सबको समझ में आया? यस सर। अब आइए, अब हम क्वेश्चन के जरिए आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, गौर से सुनिएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कीजिए आपको मिलेगा, नीट का क्वेश्चन कीजिए आपको मिलेगा। तो केमिस्ट्री में गौर से सुनिए एकदम धीरे से अच्छे से, मास ऑफ वन एटम ऑक्सीजन को लिखने के दो तरीके। पहला 16U, पर हाँ या ना, आपको जो उसका एटॉमिक मास होता है वो वन एटम का मास होता है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, अब बताइए कोई कहेगा नहीं हमको ग्राम में चाहिए, तो देखिए कितना अच्छा ग्राम में 16 ऐसे होगा 1 एमयू इज इक्वल टू अवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, बोलिए हाँ या ना। देखिए 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 1 एमयू को 1 यू भी कहते हैं, अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, कोई कहेगा दोनों की मीनिंग एक है, दोनों की मीनिंग एक है केमिस्ट्री में, ये है कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में, ये है ग्राम में। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम कैसे सॉल्व करें, ओ माय गॉड नो, दिस इज आसान, 1 बाय अवोगैड्रोस नंबर 1.66 10^24 ग्राम। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे मजा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हां, तो आपको केमिस्ट्री में कोई भी पूछे, इसी को एटॉमिक मास भी कहते हैं, कोई भी पूछे बताओ 16U का मतलब मास ऑफ वन एटम, ग्राम में बताओ, दिस इज द आंसर। हम इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, दिस इज आसान, बोलिए सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हां, मैं एक एक का नाम ले रहा हूँ, इब्राहिम तनवीर, ताहिरा तनवीर, ये आया समझ में? यस सर। गुड, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा।
इशिका को और निमिर खान जो है उनको आया समझ में दोनों को? यस सर। सक्षम चोपड़ा को आया सर? तारिक अहमद और विभूति भान को आया कि नहीं? यस सर। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, अभी और एग्जांपल देंगे। लिख लिया? यस सर। गुड, अब आइए, घबराइए नहीं, मैं बहुत एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो पहले सारे लोग मिलके बोलो कितने तरीके से रिप्रेजेंट करने आए इसको, कितने तरीके से आंसर दे सकते हैं? दो तरीके से। हाँ दो तरीके, हाँ दो तरीके से, हम पूरा क्लास के अंदर आपको समझा देंगे आपको। तो 14U, अब बताओ 14 बाय अब ग्राम में ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। अब इसको सॉल्व करके इस तरह लिख सकते हैं, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री, नो टेंशन, इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। बोलिए सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा लिखिए, हम लोग दो मिनट थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, थोड़ा आजा होने दीजिए, दो मिनट स्कीप सालेंगे। तारीख म्यूट कर लीजिए, तारीख म्यूट कर लीजिए। ओके, हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस? यस सर। यस। ओके ओके, प्लीज मास ऑफ, पूरा क्लास के अंदर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हीलियम बताइए आप लोग, बताइए क्या लिखेंगे? हीलियम का कितना होता है? 4। 4U लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसी, हाँ नहीं, 2U नहीं, 4U। ओके, अब ग्राम में क्या लिखेंगे? 4 बाय अवोगैड्रोस नंबर। सच सच बताइए, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत सारे लोग 12 पास आउट होते हैं, 1 एटम का मास नहीं निकाल पाते, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। आपको आना चाहिए समझ समझ के, ऊपर ऊपर नहीं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। 1 एटम का मास रिसर्च कीजिए, 1 एटम का मास को दो तरीके से केमिस्ट्री में लिख सकते हैं, यू में भी और इसको ग्राम में भी। अच्छा, इससे अंदाजा हुआ? देखिए 4 × 1.66 को 10^20, बहुत ही स्मॉलेस्ट मास आएगा कि नहीं, नेग्लिजिबल मास आएगा कि नहीं, बताइए हाँ या ना? यस सर। यस सर। इससे क्या साबित हुआ? एटम बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्मॉलेस्ट है। तो बताइए मास ऑफ 1 एटम सबका निकालने आ गया, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? बताइए आप लोग। नो सर। अब मैं एक ऑब्जेक्टिव देता हूँ, आप लोग टिक मारेंगे, सर विचार करेंगे। बताइए नबील खान आ रहा आपको? यस सर। गुड, सोडियम का 23 होता है, ये आपको याद रखना है। मैं हर तरीके से समझाना चाह रहा हूं। Which option is correct? Fourth. Sir, D. सब लोग बताइए, एक एक का आंसर मेरे सामने, स्क्रीन के सामने, मैं सबका नाम देख रहा हूँ, सबका आंसर आना चाहिए, प्लीज एक एक करके बोलिए। वेरी गुड, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। ये होता है, और आपको रात में एकदम सेल्फ स्टडी करना है, आप सेल्फ स्टडी करके आइए, मैं एकदम नचा नचा के आपको पढ़वा दूंगा केमिस्ट्री। आप बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लें, पर डे के लिहाज से पढ़ें, मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको पढ़ाऊंगा, बस आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लें। बताइए आया समझ में? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। आगे बढ़ें। चलिए अब हम आप लोगों को देते हैं, आप मुझे कैलकुलेटर से एक्यूरेट डाटा लिख कर बताएंगे, ठीक है सारे लोग? चलिए
आयरन का 56 होता है, आप दोनों में आंसर, यहाँ तो आंसर आपको दे ही देना है, इसका आंसर पूरा एक्यूरेट कैलकुलेट करके बताना है, आराम से सब लोग कीजिए। सर कितना होता है? ऊपर लिख दिया, देखिए ऊपर 56 है। हो गया कंप्लीटेड? यस सर। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग कहिएगा हाँ सर मेरा आंसर सही है। 9.2। हाँ ठीक है ठीक है, पहला तो 56 यू होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। और दूसरा, हम आज आपको शीट भेजेंगे तो आप मुझे इसी तरह आंसर करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा निष्कर्ष सर को, और ये मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, मैं सबको आपको भेज दूंगा, तो मेरे नंबर पर आंसर दीजिएगा जब भी मैं 1 एटम का मास पूछूं आपको दोनों में, और अपने मन में बोल बोल के समझना है। हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है, बना लेते हैं चुप, नहीं, मास ऑफ 1 एटम सर ने क्या पढ़ाया था, अपने मन में बोलिए, आपको कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा 1 एटम का मास क्या होता है, अपने मन में बोलना है 56U, इसको ग्राम में कैसे लिखेंगे, 56 बाई अवोगाड्रोस नंबर, दिस इज ग्राम, सॉल्व करेंगे 1.66 10 टू द पावर 24, तो आपको 56 को 1.66 से तो ये आपको आएगा 92.96, बताइए क्या ये सबका आंसर है? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस सर। वेरी गुड, तो बताइए 1 एटम का मास सबको निकालने आया या नहीं आया, बोलिए सारे लोग मिलकर आया। हाँ, अब हम मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, अब हम आपको मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिए, एक वर्ड आता है मॉलिक्यूलर मास, अब आप एटॉमिक मास समझ गए तो आप, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इसका भी मतलब मॉलिक्यूल है तो क्या कहेंगे, गौर से सुनिए, मास ऑफ मॉलिक्यूल भी छोटा होता है, एटम से जस्ट कुछ बड़ा होगा, लेकिन इसका भी मास बहुत ही कम है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे, वहां एटॉमिक एटम मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल का वर्ड आना चाहिए, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट इन एमयू, बात वही है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, डिड यू अंडरस्टैंड, बोलिए सारे स्टूडेंट। सर एक मिनट रुके, अभी लिखेगा नहीं, मैं टाइम दूंगा, अभी दूंगा टाइम, रुकिए, आपसे कोई पूछे केमिस्ट्री में बताओ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, सारे लोग देखिए स्क्रीन को और मेरी लैंग्वेज को, ऑक्सीजन बताओ, आप कहिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल है तो O2 हो जाएगा 32U, बहुत सारे स्टूडेंट 16U बोल देंगे, गलत, आपका माइंड प्रेजेंस होना चाहिए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछा है 32U, डिड यू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, दिस इज ऑल 32U मॉलिक्यूलर मास, कोई कहेगा नहीं हमको ग्राम में आंसर दो, इसको ग्राम में 32 को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, बताइए बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हां या ना? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, आपको समझ में आया, मॉलिक्यूलर मास में भी वही कंसेप्ट है, चलिए लिखिए तो इसको सारे लोग, अरे तारिक अहमद को आ रहा समझ में, तारिक अहमद? यस सर। गुड 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 गुड, ईशिका विभूति भान आ रहा ना आपको? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, विभूति भान को नहीं आ रहा है क्या, विभूति भान को? यस सर। आ रहा है ना, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। थैंक यू थैंक यू, रियल मी को आ रहा है, रियल मी 7 को आ रहा है? यस सर। गुड गुड गुड, और मेरे नबील खान को आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके ओके ओके,
हाँ लिख लिया, ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। चल ये एग्जांपल लिखिए। अब मैं सारा आपको कह रहा हूं निकालने के लिए, आप लोग करेंगे एक पूरे डाटा करके दिखाएंगे। हाँ लिख लिया? One second. हाँ लिखे लिखे आराम से। हाँ लिख लिया। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बना के दिखाइए। हाँ लिख लिया। चलिए पहले आपने 28U लिखा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। कोई बोल ही नहीं, हाँ कोई बोल ही नहीं रहे, आ रहा ना? और ग्राम में आपको 6.022 × 10⁻², आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको इतना आएगा सम, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे सारे लोग। बताइए इसी तरह किया ना सारे लोग? यस सर। 46.48 × 10⁻²। ठीक है आगे बढ़ें, सब लोगों को आया, सबका आंसर मिल रहा है? यस सर। अच्छा ताहरा आप 46.48 ही क्यों लिखते हैं, 10⁻²⁴ भी होगा ना ताहरा? यस सर। हाँ नहीं आप जो आंसर मुझे भेजती हैं उसमें सिर्फ ये पार्ट भी आ रहा है ना आपको? ताहिरा एक्यूरेट आंसर ये पूरा आया है ना? हाँ ये पूरा आया ना एक्यूरेट आंसर आपको? चलिए ओके ओके अब आइए नेक्स्ट। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने से बनाइए। हाँ बताइए 44U लिखा हाँ या ना, जल्दी बताइएगा सारे लोग? यस सर। यस सर। वेरी गुड। कैसे आया? कार्बन का 12
ऑक्सीजन का 16, 16 टू जा, अब ये 44 आ गया। क्लियर है सबको आया? और ग्राम में हाँ कोई ऐसा स्टोन जिसको ना आया हो सच सच बताइए। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, बताइए सबको अच्छे से आ गया? यस सर। यस गुड, वेरी गुड, थैंक यू तारा, थैंक यू, सबको आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तारीख ये लिख लीजिए, तारीख। यस सर। हाँ, इसको लिख लिया आपने? यस सर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। चलिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल के दिखाइए। आ गया? यस सर, आ गया। हंड्रेड यू आया सबका? यस सर। यस सर। हाँ सच, हाँ ठीक है। और यहाँ 100 बाई हाँ स्कूल के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, अगर रहेगा मास, सुने सारे लोग स्कूल के एग्जाम में आएगा या ऑब्जेक्टिव में, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बताओ तो आप ग्राम में लिखाइएगा, मॉलिक्यूलर मास बताओ 100 ही। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है 1.66, इसका कैलकुलेशन तो और आसान है, तो आपको आ गया 1.66 × 10²² ग्राम। आया सर? हाँ या ना? या ये भी हो सकता है 166, ये भी हो सकता है, बोथ आंसर आर करेक्ट। बोलिए क्लियर है? यस सर। तो आप बताइए सारे लोग, मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल सबको निकालने आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। अब आइए कि एमयू या यू से अब हम दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक तो मास निकल गया, ये तो आपको आ गया अच्छे से, और मैं अभी आपको शीट भेज दूंगा आज ही, आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और जब मैं आपको डीपीपी भेजूंगा तो उसको अलग पेज पर बनाएगा, नोट्स में नहीं, नोट्स मेरा अच्छे से बनाएगा कि मैं। हाँ बोलिए दीदी। तो वो वापस रिपीट कर दो, और पिछला वाला CSCO3 वाला। यस सर। ओके ओके, तो देखिए कैल्शियम CaCO3, देखिएगा बेबी थी, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, थ्रीजा तो 40 + 12 + 48, अब ऐड कीजिए 100 आ रहा है, ठीक है बेबी थी भान? यस सर। यस। हाँ तो 100 यू लिख दीजिए, या 100 बाई सबका इंडिविजुअल सबका ऐड कर देंगे। अब कोई डाउट बेबी थी? नो सर। चलो ठीक है, अब आइए इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम चलते हैं। मैं खुद बताऊंगा कि आज के लेक्चर में जो एटॉमिक मास को हमने एमयू या यू में लिखा उसकी मदद से आपको मास आ गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा आज का जो लेक्चर उस पर क्या क्या पूछा जा सकता है, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग,
पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है 52 यू ऑफ हीलियम, कुछ भी नहीं लिखना है, मेरी आवाज और स्क्रीन को देखिए। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 यू ऑफ हीलियम। यू का मतलब एमयू है, सबको आ रहा है दिमाग में, यू का मतलब एमयू है, आया ना? Yes, sir. बोलिए ना, बोलिए ना, सारे लोग मिलके बोलिए, एकदम एक्साइटेड स्टेट में बोलिए मेरे क्लास में। यस सर, यस सर, गुड, वेरी गुड, ऐसे बोलना है। अब सुनिए, कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे? यू है ना, तो देखिए दो मेथड से मैं समझा रहा हूं आपको। मेथड फर्स्ट बताइए, 4U ऑफ हीलियम का मतलब 1 एटम हुआ According to definition, बताओ 4U atomic mass 1 atom ही का तो mass होता है ना? बताइए, बताइए सारे लोग मिलके बताइए। Yes sir. Yes sir. बस 4U का मतलब 1 atom। तो देखिए U में पूछा, हाँ अगर ये 52 ग्राम लिख देता उसमें number of atoms कहता, ये अलग बात है, वो बाद में एक दो क्लास के बाद discussion करेंगे। Mu U का question क्या क्या आएगा उसको समझना है। एक तो मास निकालना है, दूसरा आपको कहेगा 4U ऑफ हीलियम 1 एटम, तो 1U ऑफ हीलियम 1/4 एटम, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। तो 52 ऑफ हीलियम में 1/4 इनटू 52 ओनली 13 एटम्स। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सब लोग बताइए, सब लोग मिलके बताइए, एक ही का नाम आया, समझ में आया, बाकी सब चुप हैं। यस सर। सब लोग मिलके बोलिए, यस सर, प्लीज रे, ओके ओके सर, शाम ओके सर, शाम। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दें, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, रिपीटेड रिपीटेड, अगेन एंड अगेन, घबराइए नहीं, मैं बहुत दफा रिपीट करूंगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये पहले बताइए सारे लोग, नंबर ऑफ एटम्स, हाँ सबको क्वेश्चन समझ में आया, पहले बताइए सक्षम। यस सर। आपको कह रहा है 52U ऑफ हीलियम में एटम्स निकाल, तो आपको कैसे क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए? एमयू दिया हुआ है तो हम एमयू में चलेंगे, तो बताइए 4U ऑफ हीलियम का मतलब 1 एटम, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 ही एटम को रिप्रेजेंट करेगा ना। खाली ये लाइन को समझिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। पूरा लेक्चर तो इसी पर हो रहा है, 4U ऑफ हीलियम 1 एटम का मास। तो यहाँ पर मास की बात नहीं पूछ रहा, नंबर की बात पूछ रहा, हाउ मेनी नंबर, तो हम नंबर 1 एटम। डिड यू अंडरस्टैंड सक्षम? यस सर। हाँ तो बताइए सक्षम, 1U ऑफ हीलियम में, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा डायरेक्ट वाला, पहले तो एकदम डिटेल में समझा रहा हूं, 1/4 एटम्स, बताइए क्लियर हुआ सेकंड लाइन? यस सर। तो 52U ऑफ हीलियम में 1/4 इनटू 52 13 एटम्स हुआ कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। आंसर 52U में 13 एटम। अब देखिए गौर से सुनिए, सबको आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाया है एक एक करके, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा इस तरह समझना है, ओके? और डायरेक्ट वाला 4U पर एटम, 4U 1 एटम, तो नंबर ऑफ एटम 52/4, ओके? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वही करेगा, सिर्फ वो रटे रहेगा, हाँ एटॉमिक मास 4U होता है बस। अरे भाई 1 एटम का मास, और मैं पहला क्वेश्चन जाके देखिए, ये मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी का दिया हूँ, और जी नीट में बहुत दफा पूछा है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए आप, सिर्फ हम रटेंगे नहीं, एटॉमिक मास 4U होता है।
अब देखिए उसकी मदद से क्या क्या कंसेप्ट है। वन एटम का मास। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे सब बोल ही नहीं रहे, एकदम थके हुए लग रहा है भाई, अच्छे से आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ ये हुई बात, चलिए लिखिए, आप लिखिए तो सारे लोग। अरे निमर खान, क्या नाम है भाई, निमिर खान? यस सर। आ रहा आपको? यस सर। गुड, अच्छा आप नाम चेंज कर लिया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। ओके नबील खान, आपको आ रहा साइंटिस्ट? यस सर। यस सर आ रहा है। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप आइडेंटिटी कार्ड मुझे भेज दीजिएगा प्लीज। ओके सर। हाँ ये लिख लिया, ये सलाइड? यस सर। यस सर। चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना लीजिए। लिख लिया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग एकदम बनाना शुरू कीजिए। आप लोग हाँ लिख लिया? यस सर। तो क्वेश्चन वही रहेगा, आप कैलकुलेट द वही रहेगा, ए बार हम लोगों ने कर लिया, अब बी हम लोग कर रहे हैं, सारे लोग बना के देखिए। नंबर ऑफ एटम निकालना, आराम से निकालिए सारे। हाँ जा चुप है, सब लोग आंसर दीजिए, सबसे पहले मैं जिससे पूछूं, ताहिरा तनवीर आप आंसर दीजिए, नंबर ऑफ एटम कितना आया ताहिरा? जोर से बोलिए। सिक्स। ओके इब्राहिम तनवीर आप आंसर दीजिए, इब्राहिम? सिक्स। इशिका? सिक्स। ओके नबील खान? सर सिक्स। सक्षम चोपड़ा? सर 23/4। अरे कैसे सक्षम, ऑक्सीजन का 16 होता है ना मेरे भाई सक्षम, ओ माय गॉड सक्षम। सर वो मैंने 92 लिख दिया गलती से। अच्छा 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 अच्छा, तो 16 यू का मतलब पर एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 96/16, तो 6 एटम्स, दिस इज करेक्ट आंसर। तारीख आपका आंसर यही आया, निमिर खान आपका यही आया, गुड। तो आपको माइंड में आ रहा है ना एमयू एमयू यू की मतलब आ रहा है ना समझ में? हाँ या ना? वन एटम वन एटम वन एटम, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ ये बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चन, अब आपको आसान लगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं बना पाते हैं, यू का मतलब ही नहीं समझ में आता, आपको आना चाहिए, अब अच्छे से आना चाहिए, क्लियर? आगे बढ़ें? यस सर। गुड, बहुत प्रैक्टिस, क्लास के अंदर प्रैक्टिस। सल्फर का 32 होता है, चलिए हो गया। हाँ
तो 32 यू, हाँ सक्षम, गुड। 32 यू का मतलब वन एटम। अच्छा अपने माइंड में कंसेप्ट को यूज करके बनाते हैं ना, फिर एक मिनट के लिए हाँ सोचते हैं ना, डायरेक्ट मत बनाइए, पहले सोचिए। यू है, यू है, यू है, यू है, यू है, तो 32 यू वन एटम। हाँ वेरी गुड। तो सोच समझ के बनाना है, मन में सोचना है 96/32 ओनली 3 एटम्स। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ वेरी गुड। विभूति आप ये लिख लीजिए, विभूति। यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा। अच्छा डी, अब पहले आप सारे लोग मिलके बताओ हमें, हम क्या निकालेंगे इसमें, क्या निकालने को कहेगा, बताओ क्या निकालने को कह रहा है? एटम्स, नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन यही है। यहाँ ये नंबर ऑफ एटम, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। चलिए कार्बन का 12 होता है, आप सुक्रोज का फॉर्मूला आप जानते हैं, 3420 में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। मैं इस क्वेश्चन में देखना चाहता हूं किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चल रहा है। हाँ बोलिए आंसर, कोई लोग अनम्यूट करके बोलिए। टेन एटम। अच्छा ओके ओके, सक्षम का भी आ गया। तारिक अहमद बताइए, तारिक। यस सर, 10 एटम। टेन एटम ओके ओके ओके। वो ब्यूटी भान, हाँ बताइए आंसर। यस सर। कितना आया आंसर करें? अच्छा ओके ओके ओके। नबील खान व्हाट इज योर आंसर? आंसर 10 एटम। ऐशिका सर 10 मॉलिक्यूल। हाँ नहीं, हाँ 10 एटम तो हो नहीं सकता। अरे भाई अब मॉलिक्यूल हो गया, तो गौर से सुनो, 342 U पर मॉलिक्यूल होगा। गौर से सुनो अच्छे से, हमें नंबर ऑफ एटम्स है, जो आपने 10 लिया है। मैं इसलिए कहता हूं ना, जब क्वेश्चंस करें तो समझ समझ के करें। आप फंस गए, आप एकदम फंस गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3420/342। गौर से सुनो एकदम स्क्रीन को, ये 10 मॉलिक्यूल आया है। हमें क्या पूछ रहा है बताओ, सारे लोग मिलके क्या पूछ रहा है?
अरे बोलिए ना, क्या पूछ रहा है बताइए ना। नंबर ऑफ एटम। हाँ नंबर ऑफ एटम। देखिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, गौर से सुनो। अब काउंट करो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, कार्बन के कितने एटम्स हैं इसमें, जल्दी बोलो। 12। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 22। ऑक्सीजन के कितने, 11, 45। तो एक मॉलिक्यूल में 45, तो 10 मॉलिक्यूल में 10 × 45। ओ माय गॉड, ये आंसर आया। अब देखो सारे लोग, एटम्स था ये मॉलिक्यूल, एटम है एटम निकाला, एटम है एटम निकाला, एटम है एटम निकाला, यहां मॉलिक्यूल में एटम्स कह रहा है। इसलिए जब आप क्वेश्चंस को बनाइए तो सावधान रहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। अब वो कब होगा, जब प्रैक्टिस होगी, कि सतर्क होके बनाए, सावधान होके बनाए। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। सबको अच्छे से आया, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो बताइए, मिलके बोलिए, बोलिए अनम्यूट करके बोलिए, शर्माइए मत, डर के आगे जीत है। निमिर खान, नबील खान, सबको आया? यस सर। यस सर। ओके, ताहिरा को आया? यस सर। इब्राहिम को आया? यस सर। थैंक यू। अब मैं, हाँ तो क्वेश्चन को समझ के बनाइएगा कि नहीं, आप बोलिए, सब लोग वादा कीजिए, क्वेश्चन को देखना है, ये मॉलिक्यूल है, आगे बढ़ें, बोलिए। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है सर, हाँ आराम से निकालिए। डन बताइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, सारे लोग मिलके बोलिए। सिक्स। अरे बोलिए। हाँ पहले बताइए, 32 यू, हाँ पहला काम मॉलिक्यूल, 32 पर मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 96/32, 3। अब नंबर ऑफ एटम 3 × 2, बताइए 6 एटम्स आया है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस। बोलिए 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 सारे लोग, हाँ या ना। यस सर। कोई भी स्टूडेंट जिसको ना आया वो पूछिए। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड, आगे बढ़ें। बताइए सबको आया, किसी को डाउट है, आया ना? नो सर। नहीं है सर डाउट कोई। ओके ठीक है, बनाते रहें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें।
हाँ बताइए हाउ मेनी, अरे बोलिए ना हाउ मेनी एटम्स? फोर। चार। बहुत अच्छे। अब मैं एक नया टाइप दे रहा हूँ, गलती मत करना प्लीज। क्लियर हो रहा है ना? समझ yes, के बना रहे हो? ओके वेरी गुड। हाँ पूरा पीएचडी क्लास के अंदर करो। ई एफ हो गया जी। इसमें बहुत सारे पार्ट्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। चलिए बनाइए पहले आराम से। हाँ बताइए, सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितना आया? टेन। वेरी गुड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबको आया 126/63, 2 आया, तो नंबर ऑफ एटम्स 2 × 5 आया 10। अरे बोलिए ना। यस सर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सुनो क्या कहोगे? 2। ऑक्सीजन को सिर्फ लोगे 3, 6। बताओ हाँ या ना, आया कि नहीं समझ में? बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बताओ किसी को डाउट है? तारिक अहमद सब आ रहा है समझ में? सर वहाँ पे 63 मॉलिक्यूल कैसे लेंगे? अच्छा कैसे लेंगे? हाँ ठीक है, ऐसे पूछ ले, अभी बताते हैं। HNO3 है तारिक, 1 + 14 16, 3 = 63 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये पूरा मॉलिक्यूल है ना, 63 का मतलब पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ या ना? यस सर। तो बस वही कर दिया गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 126/63। क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर। अब एटम्स कहा तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स है, तो 2 × 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया। बताइए आया कि नहीं? बताइए, सबको समझ में आया इसका लेक्चर? यस सर। यस सर। आज पहली क्लास से थोड़ा कम पढ़ेंगे, मतलब दिमाग फट सकता है आपका। तो आज हम आपको एक शीट भेजेंगे रात में, और आप उसको सॉल्व, आज जो मैंने पढ़ाया उस पर क्वेश्चन मैं आपको रात तक भेज दूंगा, और आप उसको करके मेरे नंबर पर भेज दीजिएगा। मेरा नंबर सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। ये नया बैच बनाएंगे आप या बैकअप दे रहे हैं? सब है, तो मेरे पास बहुत बैच है। एक बैच में पहली बुक खत्म हो रही है, मालूम है तुम्हें? एक बैच में 4 चैप्टर चल रहा है, एक बैच में पहला चैप्टर चल रहा है, ये नया बैच है। तुम कौन में जाना चाहो, मेरे पास वैरायटी वैरायटी है, तुम जो चाहो वो करो। ओके साइंटिस्ट? यस सर माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तुम चाहोगे कि सर हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे भी भेज सकते हैं। अभी शुरुआत में अभी इतना पढ़ो शुरू में, बीच में दो दो तीन तीन बैच करोगे ना तो शुरू में दिमाग ये हो जाएगा। अभी शुरुआत ऐसे करो, जब तुमको लगने लगा हम अच्छे से आ रहा है तो मैं खुद तुम्हें शिफ्ट कर दूंगा, जो जैसे जैसे बच्चे कहेंगे हम इस बैच में स्टार्टिंग ही से पढ़ाएंगे। ओके यस सर। हाँ घबराए नहीं। चलिए ओके बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।